आगरा जनपद के जैतपुर ब्लॉक में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 दिन पहले CHC जैतपुर में तैनात चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र राजपुत्र ने फार्मिस्ट पर मनमानी का आरोप लगाकर कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। उसमें कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हुए। मरीज दवा के बगैर ही वापस लौट गए। दूसरे दिन मरीज दिखे गए। मामला थमने के बजाय बढ़ता चला गया। मंगलवार को जैतपुर कस्बे के व आसपास के 4 दर्जन से अधिक लोग SDM के पास पहुंचे, ज्ञापन देकर कहा कि डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत 8-10 साल से यहीं पर तैनात है। जनता इलाज को जाती है, वे ठीक तरह से देखते ही नहीं। जांच आदि करवाने के बाद प्राइवेट क्लिनिक पर जाने की सलाह देते हैं, जिससे मरीजों को वापस लौटना पड़ता है। चिकित्सक पर प्राइवेट तरीके से मरीज देखने का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण की मांग की और मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं ग्रामीणों ने SDM बाहर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्थानांतरण नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। परेशान ये है कि हमारे CAC जैतपुर कला में जो डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत है वो अपना पर्सनल क्लिनिक चला रहे हैं, इसलिए वहाँ सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें मरीजों को सही तरीके से दवा नहीं देते और बार बार लोगों को ऐसा प्रेरित करते हैं, बहस करते हैं कि बाहर से दवा लेके आओ, बाहर से जाँच करा के। इसी संबंध में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं और मैंने अभी उनको SDM साहब को एप्लीकेशन दी है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल। करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।